Some artists are truly special. कुछ जिनका अंदाज सबसे अलग है और कुछ जिनकी आवाज. लेकिन अब आपके सामने जो आ रहे हैं उनकी आवाज भी सबसे अलग है और उनका अंदाज भी. So ladies and gentlemen, a big round of applause for the one and the only Udit Narayan ji. वाह, क्या गाना गाया है मैंने. मैं देख पा रहा हूं कि उदित जी भी बैठे हुए हैं यहां पे. मुझे बताया नहीं गया था. सर 10 मिनट बाथरूम जाया है, मेरे लिए इजी हो जाएगा. वैसे ये सिलाई मशीन हमारे पांव के नीचे कौन रख गया हमको पता नहीं चला. जा, वाह कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं. थोड़ा नीचे हो जाए, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा. ये हंसी मजाक की बातें चलती रहनी चाहिए क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह है. वी आर ए फैमिली. आपस में एक दूसरे के साथ हंसना गाना चाहिए, लोगों को मजा आता है. किसी ने सच कहा है कि मंदिर का रास्ता है बहुत दूर किसी रोते हुए को हंसा देना. और अगर रास्ते में अरिजीत मिल जाए तो मंदिर ही जाना क्योंकि वो नहीं हंसेंगे. लड़के लड़कियां उनके गाने सुनकर रोते हैं. बाकी सिंगर कभी कभी ये सुनकर रोते हैं कि ये गाना भी उनको मिल गया. अरी जीते रहो. वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही, आपको तो पता है अनुपम जी. लेकिन आजकल नॉर्मल गानों में भी लिरिक्स ऐसे होते हैं जैसे लग रहा है बातें कर रहे हैं लोग. एक गाना है कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, लिखा है मतलब ये बात हो रही है. डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, रिक्वेस्ट है, इसका गाना बना दिया. स्पीकर का वॉल्यूम इसको तेज पसंद है, अब बताओ उसको तेज पसंद है तो इसके ऊपर गाना बनाओगे क्या. लेकिन स्पीकर हो या लाउड स्पीकर सोच समझ कर दिया चाहिए, नहीं तो सिर मुंडाना पड़ सकता है. हमारे दोस्त सोनू जी नहीं आए आज यहाँ पे. है जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है उनको. आजकल ये जो जनरेशन है आप देख रहे हैं, गानों के नाम पे रैप जो है बहुत कॉमन है. पहले गाने लिखने में टाइम लगता था, लोग ऐसे ऐसे करके लिखते थे. आजकल रैप लिखते हैं ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, जलेबी की तरह. वैसे हमने अभी लेटेस्ट रैप सुना, एक काम कर फुल लॉक कर पुल्ली ना तो चार्जर रख ले थोड़ी पिंडी ते जिंजर आई एम ह्यूमन बीइंग आई हैव फिंगर, ऐसा कुछ गाना था. मैं आज आपको एक चीज बताने आया हूं कि मेरा हर गाना पहले रैप होता था, बस उसमें थोड़ी सी मेलोडी निकाल लो तो वो रैप बन जाएगा. अब जो गाना है मेरा एक गाया हुआ, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं गड्डी उत्ते छोड़. सर मैंने 10-12 सुर गलत लगाए हैं, उसके लिए माफी कीजिए, 8 सुर के गाने में. लेकिन इसमें से अगर मेलोडी निकाल दें, वैसे लड़कियों सेल्फी तो अभी आई है, मैं तो कब का पाउड बना के बैठा हूं. हाँ तो इसमें अगर मेलोडी निकाल दी जाए तो ये गाना होगा, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में सड़क पे एक मोड़ आया मैं गड्डी उसे छोड़ आया. या बेबी या. ओरिजिनल गाने में था, कब गुजरा अमृतसर. रैप में गाए तो कब गुजरा अमृतसर. अमृतसर ऐसे लग रहा है वापिस से यू टर्न मार के वापस आ गया, अमृतसर पहुंचा नहीं. रैप में क्या होता है हमने देख लिया. मान लीजिए आपने एक 10 किलो का वेट लिया, पीछे बांध लिया, आप पीछे गिरेंगे ऐसे. और तीसरा दिन है आपकी स्विमिंग क्लासेस का, आप तैरने सीख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है.
और गाना बीच बीच में अगर आपको भूले तो बीच में यो आ करते रहिए। पहले गाना गाते थे भूलते थे तो लोगों को पता चल जाता भूले हैं, लेकिन नहीं अब नहीं, अब यो आ करिए, लोगों को लग रहा है गाना चल रहा है। गाना था हमारा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। मगर अब देखिए, पापा पापा में पापा को अटकाइए, अटकाइए तो रैप चलेगा। पापा 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 कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने। मेलोडी निकाल लीजिए, रैप बन जाएगा। और जहां भूले वहां कीजिए यो हाँ, यो हाँ, लोगों को लगेगा गाना चल रहा है। आपको भी सिखा सकता हूं मैं रैप। देखिए, मैं राइट लेग रखूंगा तो आपको यो कहना है, सब लोग जो कह सकते हैं, मुंह दिया है भगवान ने जिन लोगों को। क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलो। हाँ, तो यो और आ, 1 2 4। अभी रखा नहीं है, ऐसे ताली मार रहा है, ऐसे ताली मार रहा है, मिस हो रहा है, ऐसा मारते हैं ताली, ऐसा मार रहा है। अच्छा, रैप की अच्छी बात, एक खास बात जो लास्ट बात है वो ये है, रैप में आप यो यो आ आ करते रहिए, आप इंस्ट्रक्शन भी दें तो लोगों को लगता है गाना चल रहा है। इधर आ, इसे उठा, तू चल, गाना आ खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओ भाई खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया। थैंक गॉड ये खत्म हो गया, गिव इट अप। अरे उदित जी, आप प्लीज बच के रहिएगा इस एब्सोल्युटली फेक उदित नारायण से। हाँ जी, हाँ भागिए यहाँ से, वरना बहुत पढ़ने वाली है आपको। ऑलराइट उदित सर, आप तो जानते हैं हम आपको कितना प्यार करते हैं। उदित सर के लिए जोरदार तालियां। तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था उदित सर के लिए, इज अ लेजेंड सिटिंग विद अस। कैन वी हियर फॉर उदित सर एवरीवन? ऑलराइट, चलिए इस क्यूट से ट्रिब्यूट के बाद हम उदित जी को एक बहुत ही खास अवार्ड प्रेजेंट करना चाहते हैं। This, ladies and gentlemen, is the 92.7 Big FM Suhana Safar Music Award. Udit Narayan, naam sunte hi unka muskurata hua chehra samne aata hai, aur inke gaane sunke sabke dilon mein bhi muskaan aa jati hai. Har bade actor ki mahatvapurna filmon mein Udit ji ne ek se ek behtareen gaane gaaye. He is the only male singer to have won popular film awards over 3 decades. Padma Shri in 2009, Padma Bhushan in 2011. Aur aaj 92.7 Big FM ki or se, inki suhani musical journey ke liye, 92.7 Big FM Suhana Safar Music Award ki laakh laakh badhaiyan. Please welcome the very own, our very own legend from the musical world, Udit Narayan ji. To do the honors, could I please invite on stage the illustrious Mr. Prem Chopra. Thank you, Karan. Thank you. You're fantastic, always as ever. And this is my friend here who deserves an award. आज ये अवार्ड बिग जी एंटरटेनमेंट अवार्ड मुझे दिया गया है, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई हैव बीन एंटरटेनिंग यू ऑल मोर देन 30 years, और भगवान की कृपा रही और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो कयामत से कयामत तक बात बनेगी। Love you all. उदित जी प्लीज मत जाइएगा,
मैंने एक्चुअली शो के पहले में आदित्य को दरखास्त की थी कि वो आके इस मंच पे कुछ करे, कुछ गाएं, एंड आई थिंक इससे हसीन पल हो ही नहीं सकता कि द टू ऑफ यू रियली सिंग अ वन सॉन्ग जिसकी तलाश दुनिया भर को हमेशा रहती है व्हेन दे थिंक ऑफ देयर फादर्स, पापा कहते हैं, एंड आई थिंक इट बी अ वंडरफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द फैमिली ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री कि आप ये हसीन पल इस मंच पे क्रिएट करें अपने पिताजी के साथ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा gentlemen, Udit Narayan, Aditya Narayan, and thank you, sir. Thank you for doing the honors. Thank you.